आखिर आपस में क्या बात करते हुए पाए जा रहे हैं शिव, स्टैन और निमृत, और किस वजह से, क्या मतलब किस वजह से ये इनके किस कंटेस्टेंट के रेफरेंस में बातें कर रहे हैं, और किसको ये अपने जो कन्वर्सेशन है उसमें कह रहे हैं कि अभी तक मजाक कर रही है और इन्वॉल्व नहीं है, और एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर जो ये लोग कंटेस्टेंट आपस में बात करते हुए कह रहे हैं कि यही जगह है जहां पे बहुत सारी बातें की जाती है हमारी, तो क्यों ये तीनों जो हैं वो इतना ज़्यादा फ्लैशबैक में जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेमोरीज में जा रहे हैं, और किस वजह से ये सारी चीज़ें याद कर रहे हैं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूजर, मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। तो जैसे कि आप सबको पता है कि शिव ठाकरे जो हैं वो बिग बॉस के बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, लेकिन कुछ वजह से शिव ठाकरे जो हैं उन्होंने अपना गेम प्लान काफ़ी ज़्यादा लो होता हुआ देखा है। इवन सलमान खान ने जब कल वीकेंड के बार पर भी शिव का ही क्लास लगाया और शिव को एक बात समझाई, क्लास लगाने के हिसाब से भी एक बात समझाई कि शिव, लोगों ने तुमको बोल दिया टॉप फोर तो तुम मतलब हवा में आ गए हो क्या, ये इस चीज़ का हवा लग गया क्या सिर पे, जिसके बाद शिव जो है बोलते हैं कि सर हवा तो कभी नहीं लगेगा, लेकिन मैं कुछ बातें जो है वो अंदर दबा के रखता हूँ, बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी कोशिश करूँगा कि बोलूँ। और वहीं दूसरी तरफ कल वीकेंड के बार पर स्टैन की तारीफ भी हो गई और सलमान खान ने खुद बोला कि जब से नॉमिनेशन में आया स्टैन थोड़ा चार्ज अप हो गया है, अभी अपनी बातें रख रहा है, मुद्दे रख रहा है और दिख रहा है घर में। और निमृत की बात करें तो निमृत का गेम प्लान अभी तक बाहर जनता जो है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है कि निमृत को आखिर टिकट टू फिनाले मिल कैसे गया और निमृत कैप्टन कैसे बन गई, और साथ ही साथ जो उनके महीर के निमृत के जो रूमर्ड बॉयफ्रेंड हैं महीर पांडी, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था कि इट टेक्स गट्स की यहाँ तक आना फिनाले, फर्स्ट कंटेस्टेंट ऑफ फिनाले, और उसके बाद शायद अभी कोई न्यूज़ आ रही है कि ये टिकट टू फिनाले बचाने के लिए अब कोई टास्क होने वाला है दोबारा से, तो अभी तक इस चीज़ पर कोई कंफर्मेशन है नहीं कि निमृत फर्स्ट फाइनलिस्ट बन चुकी हैं या नहीं बन चुकी हैं, लेकिन ये तीनों एक जो बिग बॉस के घर में काउच है जहाँ पर साजिद खान और अब्दू जो है लॉन्ग शॉट्स शॉर्ट शॉट्स शो करते थे, और मतलब जो काउच है उस पर बैठ कर बातें कर रहे हैं, और शिव जो है स्टैन जो है वो आते हैं, स्टैन बीट बॉक्सिंग करते हुए आ रहे हैं, स्टैन को शिव बोलते हैं कि यही वो काउच है जिधर पे बैठ के मतलब अपन सबसे ज़्यादा बात करते थे, इसका निमृत बोलते हैं कि साजिद सर और अब्दू के साथ भी बैठ के मतलब मेरा सबसे ज़्यादा डिस्कशन इधर ही हुआ है, बहुत सारी बातें मेरी यहीं पे हुई हैं, जिसके बाद स्टैन कहते हैं कि छोड़ो अभी जाने दो, हो गया। और स्टैन उसके बाद सुम्बुल को देख के बोलते हैं कि देख अभी तक मजाक ही कर रही है, मस्ती कर रही है, और सुम्बुल जो है वो एक्चुअली में किचन में है, सुम्बुल इनके साथ नहीं बैठी है, सिर्फ तीन ही लोग बैठे हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो शिव और निमृत का भी अब थोड़ा थोड़ा इक्वेशन टूटता हुआ दिख रहा है, ये दोनों का बॉन्डिंग जम नहीं रहा है, तो क्या मंडली में सिर्फ तीन या चार ही लोग रहेंगे या फिर शिव जो है अकेला अपना रास्ता चुनेंगे, इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरह के बिग बॉस की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और गॉसिप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।